बिजनौर में अभी हाल ही में सपा के तमाम नेताओं ने राज्य मंत्री व भाजपा के विधायक पर हमला करने के मामले को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। इसी कड़ी में बिजनौर थाने में 3 दिन से हवालात में बंद जसवंत सिंह को हार्ट अटैक आने से उसकी थाने में मौत हो गई, जिसे लेकर सैकड़ों परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने मांग की है कि एसपी बिजनौर और कोतवाल सस्पेंड होने चाहिए। मजबूरन मृतक के परिजनों ने थाने में तैनात कई पुलिस कर्मियों के खिलाफ सहित भाजपा विधायक लोकेंद्र चौहान व उसके भाई सीपी सिंह और पूर्व विधायक के खिलाफ थाना कोतवाली शहर में संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ, जबकि पुलिस के आला अधिकारी थाने में हुई जसवंत सिंह की मौत का कारण अस्पताल बता रहे हैं। चौधरी जसवंत सिंह जी को पुलिस ने जो एक यहाँ झूठा लोकेंद्र चौहान ने एक केस दर्ज कराया था, उसमें पुलिस ने 3-4 दिन अपनी कस्टडी में इन्हें ले रखा था और प्रताड़ित किया गया इन्हें। एक बार छोड़ दिया गया, फिर दोबारा से पुलिस इन्हें ले आई और जो भी इन्हें प्रताड़ना दी गई उसे लेकर इनकी मौत हो गई। तो सीधा सीधा हम लोगों ने जो आरोप लगाया है कि पुलिस कस्टडी में हुई, पुलिस की उत्पीड़न से हुई। कप्तान साहब को भी बताया गया है कि लोकेंद्र चौहान के दबाव में इतना आके उन्होंने काम किया कि निर्दोष लोगों को, इनका कोई दोष नहीं था, इनके खिलाफ कोई FIR नहीं थी, इनका नाम नहीं था, और इनका जो बेटा है उसका भी हमने कहा कि आप CD में देखिए अगर ये हो भी उस घटना में, वो घटना में भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की दबाव में आके लोकेंद्र चौहान के, कि हमारे एक किसान की, हमारे एक बड़े भाई की हत्या पुलिस ने कर दी, हम तो ये कहेंगे। अब हमने केवल प्रशासन को समय दिया है, 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, इसमें दोषी माना गया है रुचि वीरा को और लोकेंद्र सिंह जो विधायक हैं और एक उनके भाई हैं CP सिंह, इनकी वजह से ये सारा हुआ है। इन लोगों ने प्रेशर बना के कराया है, सारे जिले में बवाल कराया है। अब यहाँ ये निर्णय लिया गया है, फिलहाल प्रशासन को कार्रवाई का समय दिया गया है। हमने मांग की कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, समय दिया गया है। अब हम वहाँ पोस्टमास्टर पर जा रहे हैं और केवल PM का जितने समय हमें पोस्टमार्टम में लगेगा जब तक हमें गिरफ्तारी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम निश्चित दोबारा से जाम कर देंगे, हम डेड बॉडी को लेकर यहाँ से नहीं निकलेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस का आश्वासन है कि हम गिरफ्तारी करने के लिए जा रहे हैं और दोषियों को निश्चित रूप से सजा देंगे। ये एक मुकदमा यहाँ लिखवाया गया था जिसकी पूछताछ में एक जसवंत सिंह नाम के व्यक्ति आए थे, वो शाम को चले गए थे। उसके बाद परसों जाने के बाद दो दिन बाद उनकी अपने घर में कोई समस्या आई होगी जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल गए और वहाँ उनकी मृत्यु हुई। लेकिन तहरीर जो हमें मिली है उसमें इनके ये आरोप हैं कि इनकी थाने पर ही मृत्यु हुई है और ये राजनीतिक दबाव में 3 लोगों के नाम इन्होंने बताए हैं, रुचि वीरा, विधायक लोकेंद्र सिंह और उनके जो भाई हैं उनका नाम पर, और इस पर विवेचना की जा रही है, अध्यक्ष कार्यवाही की जाएगी। मुकदमा इसमें दर्ज कर लिया गया, फोटोकॉपी इन लोगों को दे दी गई है, इसकी जो नकल चेक होती है। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई ये है कि इनका हम पोस्टमार्टम पंचायतनामा करवा करके और क्रिमेशन की कार्रवाई करेंगे और बाकी कार्रवाई कराएंगे। लगातार इन्होंने जो है अपनी कस्टडी में ले रखा था, हम बार बार प्रयास कर रहे थे कि आप इसको छोड़ दीजिए, बाईपास सर्जरी हुई है इस आदमी की, बाल बाल इत्यादि सब कुछ डाले गए हैं जो है, लेकिन भैया इन्होंने किसी ने नहीं माना। थाने में मौत हुई थी? थाने में यहाँ से यार क्यों जबरदस्ती थाने की, मतलब यहाँ पर जो जितना हुआ है उसी की वजह से मौत हुई है। हिरासत में थे ये। अच्छा, आपने कप्तान को बताया था कि? अरे भैया 3-4 बार लगातार परसों से कप्तान पर जो है सिफारिश लगा रखी है, लेकिन कहाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? न्याय होना चाहिए। जब कप्तान भी हमारी बात को नहीं मान रहा, जो यहाँ पर जो है SO नहीं मान रहा, तो कैसे पलटो? जो हेड जो है कप्तान है, SP जो बिजनौर है, वो जिम्मेदार सस्पेंड किया। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? इस आदमी का जो निलंबन होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, जो SP भी और ये शहर कोतवाल भी। मामला ये था कि उनके लड़के का नाम भी नहीं था, जबरदस्ती एक दबाव बनाने के लिए एक फर्जी कहीं भी नहीं था, कहीं भी कोई फुटेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जबरदस्ती उसका नाम लिखवाया और किसने इन्हें उठा के लाए और 4 दिन से इनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, 4 दिन से इन्हें यहाँ रख रखा है, टॉर्चर कर रहा है। हमने बहुत कहा कि
भाई इनकी बाईपास सर्जरी हुई है, ना छोड़ दो एसपी साहब से कहा, एसपी साहब ने बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा सीधा सीधा कहा कि कुछ नहीं है, लोकेंद्र चौहान ऊपर के निर्देश, विधायक जी के निर्देश है, सीपी सिंह के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, समझे नहीं। ये इसमें एसपी लोकेंद्र चौहान और सीपी सिंह आज क्या हुआ आज इन्होंने रात भर रखा हो ना, सुबह बहुत टेंशन में थे जब यहाँ से गए हैं, वो बार बार सोच रहे थे, जब से इसी बात के लिए सोच रहे थे और शाम के टाइम उन्हें अटैक आया। अच्छा ये हार्ट पेशेंट थे, बाईपास सर्जरी हुई थी, आपने बताया नहीं कप्तान साहब, कप्तान साहब ने फाइल भी दिखाई पैरों में सबसे कहा क्या वजह मानते हैं ये क्यों कर रहे थे कप्तान साहब इस तरह का अत्याचार क्यों कर रहे हैं विधायक के उसमें दबाव में कप्तान छोड़िए कप्तान नहीं है चपरासी से भी घटिया है तो कप्तान है ही नहीं है कप्तान ही नहीं हमें यही है कि इनके तीनों के नाम रिपोर्ट हो और सस्पेंड हो कप्तान तो ये डिमांड है जब तक ये पूरी नहीं होने की हम यहाँ से हिलने वाले नहीं।